नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना के खनगा गांव में एक महिला को उसके पति ने विदेश में रहते हुए मोबाइल पर व्हाट्सएप से 3 तलाक भेज दिया था, जिसको लेकर पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने इस मामले की जानकारी लेकर 3 तलाक देने वाले पति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता पुलिस के ऑफिस का चक्कर लगाकर गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही केंद्र द्वारा 3 तलाक पर बिल पास होने से मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद भी दे रही है। दरअसल पूरा मामला आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना अंतर्गत खंडवा गांव में तबस्सुम बानो पुत्री मोहम्मद अख्तर का है। उसके पति हामिद इम्तियाज, जो मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कस्बे का रहने वाला है, उसने व्हाट्सएप पर 3 तलाक भेज दिया है। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल में उसके सास ससुर और पति दहेज को लेकर के मांग कर रहे थे, जिसे उसके पिताजी ने पूरा भी किया, पर उनकी लालच इतनी ज्यादा थी कि उनको पूरा करने में पीड़िता के पिता सक्षम नहीं थे। लिहाजा पति ने विदेश से ही दूसरी लड़कियों और औरतों की अश्लील फोटो भी भेजना शुरू कर दिया। जब इसका एतराज किया गया तो उसने व्हाट्सएप पर ही 3 तलाक एक साथ भेज दिया, जो गलत है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है। पीड़िता का कहना है कि मोदी जी और योगी जी ने जो कानून बनाया है वह सही है, उसे न्याय मिलना चाहिए, जिससे आगे किसी और महिला के साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो पाए। क्या नाम है आपका? तबस्सुम जी। तबस्सुम बानो। अच्छा तबस्सुम जी, क्या घटना हो गई थी? 3 तलाक का मामला आपके साथ आया, क्या कैसे, क्या पूरी कहानी बताइए। मेरी शादी हुई है, तो हम गए अपने घर पर, वहाँ कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद फिर आए, फिर गए, फिर रहे कुछ दिन बाद। फिर घर वाले बोले कि हम भी आदमी के सऊदी भेजे के सऊदी अरब, हाँ हमारे माँ बाप सब सामान दिए, 50,000 रुपया भी दिए। फिर उसके बाद कहे कि 2 लाख रुपया अपने अम्मा अब्बा से मांग कर दो, सऊदी अरब भेजना है हमीद को। तो मैं अपने माँ बाप से कही और मेरे माँ बाप दिए 2 लाख रुपये, फिर वो सऊदी अरब भेज दिए हमीद को। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर रही कुछ दिन, फिर वहाँ पर रही, फिर सब लोग मेरे साथ मुझे सताने लगे। उसके बाद कहने लगे कुछ नहीं मिला दहेज में, सब कहने लगे मेरी ननद और सास ससुर सब कहने लगे। फिर उसके बाद कहने लगे फिर उसके बाद फिर मैं बोले कि मेरे माँ बाप दिए गए नहीं, कुछ नहीं मिला था मुझे, हाँ मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे चाहिए। फिर मेरे फिर कहने लगे कि फिर मेरे पति का फ़ोन आया, फिर मैं उनसे बात करी, तो सब लोग मेरे पति से कहे कि ऐसी बात है, तो मैं अपने पति से बोली, तो मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे, हाँ मुझे मुझसे बात भी कर रहे थे और सही से। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मुझसे फ़ोन पर बात हुई, तो बोले कि अरे फिर व्हाट्सएप पर फ़ोटो दिखाने लगे जो हमारी चच्ची का गंदी तस्वीर दिखाने लगे। फिर मैं बोले कि ये कैसा फ़ोटो हुई, अच्छी बात नहीं है, तो बोले कि नहीं अरे फिर मुझसे झगड़ा करने लगे। फिर इसी बात पे कहने लगे, घर वाले भी खफा थे मेरे ऊपर और फिर मेरे आदमी भी, फिर सब मिलकर मुझे मोबाइल पर तलाक एक ही बार में 3 तलाक दे दिए, हाँ व्हाट्सएप पे, जो कि ये तो गलत है, जो कि ये तो गलत है। तो आप पुलिस के पास आई? हाँ हम हाँ फिर हम पुलिस के पास आए, कहे कि मुझे रोइए मत, अपनी बात बताइए। आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, क्या मामला हुआ था व्हाट्सएप पे 3 तलाक का मामला? ये हमारी बहन है, हाँ, और हमारे बहनों ही ने इनको 3 तलाक एक साथ दे दिया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे देने के बाद
और फिर उसके बाद वो मोदी जी योगी जी किया जो कानून निकाले वो बहुत सही है, उसके साथ हमारे बहन जो हुआ गलत हुआ है उसकी कार्रवाई होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे? हाँ हम लोग पुलिस के पास गए थे, FIR हो चुका है और हम लोग सोच रहे हैं जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार होना चाहिए। जी तो जो मोदी जी ने निकाला है बहुत अच्छा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीन तलाक के इस मामले पर पुलिस भी गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उक्त पति के खिलाफ 498A IPC 3/4 DP एक्ट 166 IT एक्ट तथा मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन तलाक का मामला जो आया तो पीड़िता का क्या कहना था, किस वजह से? वो पीड़िता कह रही थी कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हमसे पहले भी मतभेद रहे इसके और दहेज की मांग करता रहा, काफ़ी हमको पीड़ित किया उसने और अब वो कहता हम कोई और शादी कर लेंगे आपको छोड़ करके, और दूसरी शादी करने के लिए ही उसने हमको तीन तलाक दिया। हमारे टेलीफोन पे बात हुई, गुस्से में आ गया वो और गुस्से में आ करके उसने व्हाट्सएप से हमको तीन तलाक भेजा हुआ है, उसकी कॉपी उसने हमको दिया और उस कॉपी को निकलवा कर हमने थाने भेजा था, उस मुकदमा हम दर्ज करा दिए हैं। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि वो कोई मतभेद लोगों में रहा होगा, उसको लेकर तीन तलाक दिया है और संभवतः उसने शादी भी करने की बात अभी प्लान करी हुई है, किंतु आज हमारी टीम गई हुई है और जल्दी गिरफ्तार करके उसको हम लोग न्यायालय पेश करेंगे उसको। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।